हम उधर से अपनी बाइक से आ रहे हैं और अचानक हमारे सामने टाइगर आ गया और हमारे साथ जो घटना घटी वो हम अब भी अगर याद कर लेते हैं रात को तो नींद नहीं आती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम पीलीभीत में हैं और हम जा रहे हैं टाइगर सफारी के लिए। तो हमारी मॉर्निंग की सफारी है और अभी बज रहा है सुबह के 6:30 आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे गाइड मिस्टर सलीम स्वान खान हमारे ड्राइवर साहब हैं। तो चलिए देखते हैं हमें टाइगर स्पॉट होता है कि नहीं। बाकी रास्ता यहाँ का बहुत ही अच्छा है। कल जब हम यहाँ आ रहे थे टाइगर इको टूरिज्म चूका इको टूरिज्म स्पॉट में हमारा स्टे है और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जंगल का रास्ता है। और हमें रास्ते में ही कल यहाँ पे मोर, स्पॉटेड डियर, सांवर डियर, ईगल ये सब ऑलरेडी दिख चुके हैं। तो आप देखते हैं कि आज सफारी में हमें क्या कुछ नया दिखता है। मैं नेचर गाइड सलीम अहमद खान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। हमारा टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को बनाया गया और ये पूरा एक तराई का इलाका है। यहाँ हमेशा ठंडा मौसम रहता है, गर्मी में मार्च अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा मौसम रहता है, मतलब कूल रहता है। और हमारे यहाँ पर जो टाइगर हैं, टाइगर क्वांटिटी लगभग 65 प्लस है, 65 तो है उसके प्लस है। और अभी हमारी काउंटिंग चल रही है, यहाँ पर कैमरे लगे हैं, अभी 10-12 दिन और लगे रहेंगे तो उसमें टाइगर काउंटिंग जल्दी 100 के पार जाने का पूरा चांसेस है। और हमारे इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार, जो इंटरनेशनल पुरस्कार है, और वो हमारे पीलीभीत को मिला है सन 2018 में टाइगर की क्वांटिटी डबल करने में। हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के डियर हैं, स्पॉटेड डियर, सांवर डियर और हॉग डियर, वर्किंग डियर। और यहाँ पर तरह तरह के और भी एनिमल्स हैं, जैसे स्लॉट बियर भी हमारे यहाँ पर है, लेपर्ड भी हैं और पीकॉक वगैरह। ये तो जंगल में प्राकृतिक मामला है सब, इसमें तो कुछ भी देख सकता है। और रही बात टाइगर की, हम लोग निकले हैं टाइगर देखने के लिए और कोशिश ये करते हैं कि टाइगर की शाइटिंग हो जाए। और जंगल का जो एरिया है हमारा, ये 73,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें टोटल 5 रेंजे हैं, हरिपुर रेंज, माला रेंज, ड्यूरिया रेंज, महोफ रेंज और बराही रेंज। हमारा टूरिज्म चलता है महोफ और बराही में चलता है। ये टाइगर की स्क्रेच है अपने एरिया की, ये टाइगर की स्क्रेच है, टाइगर ने मार्किंग की थी अपनी इतना ऊपर जी सर, क्योंकि कोई भी टाइगर जो होता है वो अपना एक एरिया चूज करता है। अब वो अपना एक सिंबल बना देता है कि दूसरा टाइगर जब आता है इस एरिया में तो उसको देख के समझ जाता है कि मुझसे हैवी है या छोटा है। दूसरा वाला जो आता है उसको हैवी लगा देता है, जो कमजोर होता है वो छोड़ के एरिया चला जाता है। देखो यार इतना ऊपर जाकर के यार उसकी जंपिंग लगभग 8-9 फीट जंप कर लेता है टाइगर। बाकी चलते हैं देखते हैं। हमारे यहाँ पर एक जो टाइगर है यहाँ इसी एरिया में रहता है, वो बहुत पुराना हो गया है, उसका नाम सुल्तान रखा है। बहुत हैवी टाइगर, वो जब चलता है तो उसकी नीचे की जो खाल होती है वो जमीन में लग के चलती है। अच्छा, तो उसकी एज कितनी है? उसकी एज क्या, मरने के कगार पे खड़ा है वो, 15-16 के आसपास हो चुकी है। और टाइगर जो होता है 15-16 साल ही जीवित रहता है। एक एरिया होता है टाइगर का, एक एरिया में लगभग 7 किलोमीटर का एरिया होता है, उसमें एक टाइगर रहता है। लेकिन फीमेल जो है वो टाइगर 2-3 भी रख सकता है उस एरिया में, लेकिन अलग अलग जगह पर, एक साथ नहीं रहते। पहले सर ये था कि जो निगम ये पेड़ थे साइल के, जो मतलब पुराने हो जाते थे तो उनको नीलामी हो जाती थी, निगम कटवा लेता था। अब तो ये भी सब वैन फूड चेन बना हुआ है मैम, ये इसलिए कि अब ये लकड़ी जितनी सड़ रही है दीमक खाती है और दीमक जो होती है मतलब एक केला बनाती है उसको स्लॉट बियर खाता है, तो ये फूड चेन प्रणाली बनी हुई है। हमारा लोगों का मेन टारगेट ये है कि जंगलों को बचाना है और एनिमल्स को सुरक्षित रखना है। और देख जाए भाई साहब सड़क पार कर रहा हूँ, एक्चुअल में पार करें तो देखें फिर। फ्रेंड्स, जब हम पहली बार जिम कॉर्बेट गए थे तब हमें टाइगर दिखा था, हम पहली बार रणथंभौर गए तब भी हमें 4-4 टाइगर दिखे, अब हम पहली बार पीलीभीत आए तो देखते हैं हमें दिखता है कि नहीं। पर अगर नहीं भी दिखे तो यहाँ के जंगल इतने खूबसूरत है कि अगर यहाँ पे आपको हिरन भी दिख जाए ना तो वो भी आपकी आंखों को बहुत ही अच्छा सुकून देगा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा लोग टाइगर देखने के लिए ही आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जंगल में।
तो आपको हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, हर चीज को मतलब मैटर करती है, हर चीज मैटर करती है, छोटा परिंदा भी मैटर करता है। तो केवल आप इसे उससे ना आए और डिसअपॉइंट ना हो अगर आपको टाइगर ना दिखे तो। चलिए देखते हैं, बाकी हमारा लक है। सही बात है, बिल्कुल सर। वो सांता सागर डैम ये कैनाल है और ये 1925 से 36 के बना हुआ है ये ब्रिज, इसे लाल पुल का नाम दिया गया है सर। बाइफरकेशन की ओर इस पटरी पर सबसे ज्यादा चांस रहते हैं टाइगर देखने के। सर थोड़ी धूप निकला है, पाइथन भी दिखेगा सर, क्रोकोडाइल भी दिखेगा, क्रोकोडाइल बड़ा हैवी वाले हैं सर। बस ये है कि धूप के मामला है क्योंकि उनका ब्लड इतना ठंडा होता है कि वो जब धूप सेकने के लिए निकलते हैं। अभी ये कैनाल सूख गई, पानी कम हो गया था तो इतने सर क्रोकोडाइल थे कि एक दिन में 8-10 क्रोकोडाइल दिखाए। करते हैं बहुत रेल है टाइगर से करता है तो इसलिए ज्यादातर सामने नहीं करते। टाइगर का ये होता है कि टाइगर रोड पर चल रहा है चलते ही रहता है और लेपर्ड अगर देख लेता है तो फौरन भाग जाता है। वॉच टावर जो बने हैं इतने सारे, तो ये यहाँ पे ऐसे टाइगर वगैरह जैसे आ जाता हो बीच बीच में तो रिस्की तो होगा ये काफी। नहीं टावर रिस्की नहीं है, आप जा सकते हैं इस पर। नहीं वो तो जा सकते हैं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये इस पे जाते हो देखने के लिए दोनों में ठीक। तो यहाँ तो टाइगर भी आता रहता ना, आता रहता, लेकिन यहाँ जो लोग ग्रुप में होते हैं गाड़ी होती है हर जाते हैं रास्ता छोड़ देते हैं। देखिए उसके पंजे भी बने भी दिख रहे हैं आपको सामने, दिख रहे हैं पैर आदमी जैसे पैर होते हैं उसके भी। अच्छा ये जी मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर दीमक खाते हैं ये तो, दीमक वाली बहुत ही उनका किला बना होता है मिट्टी का ये। हाँ, तो ऐसा मुंह लगा लेते हैं उसमें पूरा दीमक इतना होता है, सुरक्षित है अच्छे से नब्बे सुलगते हैं ना ये। हाँ, और उनका चारा मेन यही होता है दीमक स्लॉथ करके। पाइथन यहाँ निकलता है सर, लेकिन अभी हम लोग धूप जब निकलेगी तो वापसी आएंगे तो हो सकता है निकल आए। ये जैसे उसी तो ऐसे नहीं इसमें निकलता ही है, इसका बिल ये बिल ये बिल ये बिल ये बिल यहीं से निकलेगा। तो फ्रेंड्स आज काफी घना कोहरा है, बहुत फॉग है और इसी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। काफी जानवरों का ये होता है कि जब धूप निकलती है तब वो बाहर आते हैं धूप सेकने के लिए, तो इसलिए अभी हमें इस कम स्पॉटिंग हो पा रही है। देखो एक चील ऊपर उड़ रही है। पूरी रात मतलब इतना चलता है कि बैठता नहीं, और सुबह को जब होता है इतना और आलसी भी इतना है कि जब एक बार बैठ जाता है तो उठता नहीं, जल्दी उठता नहीं। तो रात में किल करने के लिए रात को गश्त करता है, रोड पर चलता होगा या कहीं अपने शिकार के लिए बैठा हो, और जब वो खा लेता है पेट भर जाता है वो आराम से पड़ोसी सो जाता है। अभी तो कुछ नहीं, फोन कर दिया। ये हमारा बाइफरकेशन है, मेन कौन सी वाली है?
मेन ये वाली है शारदा सागर से आ रही है जी। इससे ही हमारी मतलब तीन ब्रांचेस गई हैं, एक हमारी शारदा सागर डैम में गई है जो आपने भी देखी है, फीडर बोलते हैं इसको, फीडर डैम नहर बोलते हैं उसको, और ये हमारी लखीमपुर खीरी ब्रांच बोलते हैं इसको, खीरी लखीमपुर खीरी की तरफ जा रही है, और ये जो है हरदोई ब्रांच बोलते हैं पीछे आपके इधर, ये हरदोई शारदा सागर नहर लिखा है तो ये हरदोई की तरफ पानी जा रहा है। जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो व्हील लगे हुए हैं यहाँ से वाटर का लेवल कम या ज्यादा किया जाता है। टाइगर जब चलता है ना अपने स्वभाव पे तो फिर चलते ही रहता है, बहुत तेजी चलता है। दो किलोमीटर बाहर जाके जंगल खत्म हो जाएगा। हाँ। तो वहीं गांव है और आसपास हमारा तकली नगर है, नवदिया सुखदासपुर है, डगा है, ये सब जो गांव है यहीं पर तो आतंक मचाया था टाइगर ने। 2017 में कई किल किए थे उसने, एक लड़का तो हमारे यहाँ का ही इसको किल किया था उसने, हमारे गांव का लड़का था, उसका क्या नाम था, अहमद खान, अहमद खान के नाम से उसने यहीं पर किल किया था। दूसरी घटना थी, बूढ़ा बूढ़ा हो गया था क्या वैसा? नहीं वो एक्चुअली आदमखोर हो गया था, आदमखोर हो गया था, तो यंग टाइगर हो, यंग टाइगर। अच्छा यंग दरअसल क्या है सर जी, हमारा जंगल जो लंबाई में तो ज्यादा है पर चौड़ाई में कम है सर। अच्छा। तो टाइगर की संख्या बढ़ रही है, अपने एरिया चक्कर से जी कुछ टाइगर बाहर भी निकल जाते हैं घूमते घूमते सर, तो घूमते हुए जब निकल गए वहाँ जंग बाहर होती है गन्ने की खेती, ग्रासलैंड और गन्ना तो सेम एक ऐसा होता है, सुबह हुआ तो किसान कोई घास छीलने गया या गन्ना काटने गया तो अपने बचाव पर वो अटैक कर देता है सर, और जब एक बार इंसान का मांस उसके लग जाता है मुंह तो फिर वो शिकार खत्म हो जाता है, उससे तो सिर्फ ओनली इंसान ही चाहिए क्योंकि इंसान ही सबसे आसान शिकार है इसका। हाँ, और खाने में भी स्वादिष्ट है। भैया तो ऐसे करे, भैया ने टेस्ट किया है। टेस्ट तो नहीं किया लेकिन तो टाइगर की सोच है, क्योंकि बियर वगैरह मारने में बड़ा मेहनत करना पड़ती है उसको, क्योंकि भागता बहुत तेज है। जो रहते हैं उनको तो दिखता रहता होगा। हाँ सर, अक्सर गांव वालों को तो ऐसे कोई कुत्ते उत्ते को देखते हैं। रियल में सर ऐसे ही हो गया, मतलब सही बात है। हम आसपास या जंगल के पास में रहने वाले लोग हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ घटना होती रहती थी, और इतने पास से देखते हैं कि हमारे जो नहर एक और गई, खारजा नहर बोलते हैं जी, डंप से निकली है, तो हमारा घर उस नहर की दूरी लगभग ऐसी 100 मीटर नहीं होगी, तो वहां पर उसने अपना ऐसा बना लिया कि होम स्टे हो गया वो टाइगर का। एक रास्ता और गया जो गोमती रिवर फ्रंट पे आप जाएंगे, जिस रास्ते से एक गांव पड़ेगा नहर क्रॉस दोनों नहरों के बीच में, वहां एक थोड़ा सा टर्म है, वहां तो कम से 15 दिन रहा टाइगर, फीमेल थी बच्चों के साथ अपने। अच्छा। कई बार उसने साइकिल से चलने वालों पे मतलब अटैक भी किया। अच्छा। तो हम लोगों का इलाका तो ऐसे ही है कि मतलब टाइगर इतना वो नहीं है कि हम लोगों के लिए, आप लोग आते हो सोचते दिख जाए तो बेहतर है। आप लोगों को डर भी इतना नहीं फिर लगता? ना, हमें से डर नहीं लगता, टाइगर से डर नहीं, डर तो लगता ही नहीं हम लोगों को, वही तो आप लोगों को पता है कि भाई क्या। एक बार सर हमारे साथ ही घटना है, जो अभी अपने लोग खड़े हैं जिसपे बाइब्रेकेशन जो बता रहे कैंप की तरफ रास्ता जाता है, हम सर शारदा नदी में काम करने गए थे, मतलब जो सब जीव जी काम होता है मजदूरी करने जाते थे, तो करीब शाम को ठंड का मौसम था, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, हम उधर से अपनी बाइक से आ रहे और अचानक हमारे सामने टाइगर आ गया, और हमारे साथ जो घटना घटी वो हम अब भी अगर याद कर लेते हैं रात को तो नींद नहीं आती। रात का टाइम था, कितने बजे? थोड़ा सा मतलब अंधेरा सा होने लगा था, शाम का वक्त था, तो हमारी बाइक और उसकी सर बाइक हमारी उसमें जाकर टकराई थी,
टाइगर में टाइगर मोड़ थी वहाँ पर एक मोड़ थी गाड़ी हमने कंट्रोल नहीं हुई और जाके टकरा गई फिर उसका और हम गिर गए और टाइगर का भी पता नहीं कहाँ चला गया अच्छा वो इतना घबरा गया अच्छा गाड़ी आ रही है हाँ अपने आप को डरे और वो अपने आप को डरा तो हमने घर पे जाके बताया धीरे से हमने कहीं चर्चा हो गई हर जगह तो पता लगा पत्रकार आने लगेंगे तो हम बताएंगे कि टाइगर घायल हो गया तो हम क्या करेंगे फिर सर जिस खामोशी से दबाया उसको वो क्योंकि बात वही है ना कि टाइगर को चोट पहुंचाई वो वाला सारा इलीगल फालतू फंड का फालतू को बनाएंगे वो और ये नहीं पता कि हमने अपने हमें अचानक हुआ हमारे साथ ऐसा कई मेहनत पड़े रहे बिस्तर पे सर आपके भी चोट लग गई थी जी बहुत चोट लगी थी सब छिल गए तो पैरों से अच्छा वो सीमेंटेड है ना वो जगह पक्का रोड है तो इतना अच्छा रोड है नहीं चिकना जो वहाँ इतनी पथरी उतरी सब पड़ी रहती थी पथरी का उसमें तो अगर 10-20 मीटर भी अगर बाइक से रगड़ गए ना तो भाई अच्छा खासा काम हो जाता एक घंटा और हुई सर हमारे साथ हम उस टाइम पढ़ाई करते थे तो पापा हमारे जो है वो नर्सरी काम करते हैं पर उन्हें शौक बहुत है पेड़ पौधे बनाने का मतलब हमें कोई अगर थप्पड़ मार दे उन्हें तकलीफ नहीं है अगर पेड़ को किसी नुकसान पहुंचा दिया तो उन्हें बहुत तकलीफ है तो वो तो बड़ा मतलब इतना पौधों से प्यार करते हैं वो भी बहुत अच्छी है पापा हमारे हैंडीकैप है सर मतलब उन्हें मतलब ये नहीं कहीं कुछ करते हो पैर से हैंडीकैप में कहीं नहीं जा सकते हम लोग लेके जाते हैं लेकिन पौधों का इतना शौक है कोई पौधा उन्हें अच्छा लगे कि ये बढ़िया पौधा है और इसका फल अच्छा है तो उसकी कलम बना लेते हैं अच्छा और तैयार कर लेते हैं अपने यहाँ लाके नस्लें पैदा कर नस्लें बना लेते हैं उसकी ये तो भाई मतलब ये भी एक अच्छा हुनर अच्छा है ये सागौन नहीं होता लगता है ये तो पापा से किसी ने ऑर्डर दिया था कि हमें मतलब सागौन की बहुत चाहिए बहुत पहले तो हम छोटे छोटे थे एक हमारा छोटा भाई वो हमसे भी छोटा था तो पापा ने बोला बेटा जंगल चले जाओ और थोड़ी सी निकाल लो ये 17 से पहले की बात है सर जब ये टाइगर 14 से पहले की बना नहीं था तो हम गए जब गए तो थोड़ा सा एंटर हुए जंगल में ऐसे ही तो भाई हमारा बोला भाई खतरा लग रहा है हमने यार भी जंगल में हम घुसे हैं वो कह रहे खतरा लग रहा है देखा हमने डियर का पूरा झुंड जो हमारी तरफ के लिए आ रहा था अच्छा। होता ये कि जब कोई उनको खतरा होता है तो वो सब भागते हैं तो कुछ ही सेकंड के बाद देखा सर सब पीछे टाइगर खड़ा हुआ है उसके वो शिकार पे था और डियर के और हम जो थे हमने भागे वो किसकी सर पौधा लाना किसका क्या लाना पहले जमानों में लोग इसी ये वाला यही सिंदूर यूज करते थे और आज के जमानों का केमिकल चल रहा है सारा तो ये जो लग रहे हैं हाँ ये फूल है ये लाल हो जाएगा अभी आगे चल के खूब जब से आप मलेंगे सारा पाउडर निकल आएगा तो पहले महिलाएं यही सिंदूर लगाती थी ये ओरिजिनल सिंदूर यही है सर सफारी करके वापस आ गए हैं तो हमें टाइगर स्पॉटिंग तो नहीं हुई लेकिन उसके अलावा हमें स्पॉटेड डियर और हॉक डियर और सांभर डियर काफी सारे बर्ड्स दिखाई दिए तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा क्योंकि जंगल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगा हमें फॉग था दिन में तो इसलिए स्पॉटिंग थोड़ी कम हो गई थी लेकिन अदरवाइज एक्सपीरियंस वॉज गुड आप लोगों को ये कहूंगी कि अगर आपको टाइगर के लिए स्पेशली आना है तो उसके लिए रणथंभौर इज द बेस्ट बिकॉज वहाँ पे इतना डेंस फॉरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे टाइगर स्पॉटिंग इजीली हो जाती है लेकिन अगर उसके अलावा आपको केवल जंगल का एक्सपीरियंस करना है देन पीलीभीत इज बेटर क्योंकि यहाँ का जो डेंस जंगल है वो काफ़ी अच्छा है
अभी एक दो दिन पहले यहाँ पे काफी सारी बारिश हुई है जिसकी वजह से रोड्स खराब हो गए हैं और इसलिए काफी रोड्स एक्सेसिबल नहीं थी अभी और अंदर कोर फॉरेस्ट के अंदर हम नहीं जा पा रहे थे। तो अगर ये रोड्स अच्छे होते तो हमें और अच्छा बेटर एक्सपीरियंस मिलता जंगल का और शायद हो सकता है और हमें एनिमल्स स्पॉट हो जाते। चलिए ये था हमारा एक्सपीरियंस आज सफारी का।